गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकु से आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड के उद्योग के पार्ट थर्ड को लेके आई हूँ। इसमें से हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे अल्मुनियम उद्योग के बारे में, सीसा उद्योग और कोयला धोवन उद्योग के बारे में। तो सबसे पहले अल्मुनियम उद्योग। अल्मुनियम उद्योग जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा अल्मुनियम कारखाना है। यह है कहाँ? हम लोग का मुड़ी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अल्मुनियम के लिए हमको किस ओर का जरूरत होता है। तो वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट पहले निकलता है, बॉक्साइट के बाद अल्यूमिना बनता है, और अल्यूमिना के बाद अल्मुनियम है। तो बात ये है कि अल्मुनियम कारखाना तो मैंने बोल दिया, लेकिन यहाँ हमारे झारखंड में कहीं अल्मुनियम बनता ही नहीं, अल्यूमिना तक ही बन के रह जाता है। देखते बॉक्साइट खान, पहले हम लोग बॉक्साइट के बारे में जानेंगे। तो बॉक्साइट का खान कहाँ है? लोहरदगा प्लामू में। लोहरदगा सबसे बड़ा खान है बॉक्साइट का, ये नंबर वन है। अल्मुनियम, अब देखिए ये अल्युमिना कहाँ बनेगा? अल्युमिना का जो कारखाना है वो मुरी में है, रांची के निकट। उसका क्या नाम है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1938 ईस्वी में। वर्तमान में इसका नाम बदल गया है, और यह नाम बदल के हो गया है हिंडाल्को। ठीक है, अब देखिए कच्चा माल जो बॉक्साइट में तो प्रथम स्थान है, लेकिन हमारा झारखंड, मैंने कहा कि अल्मुनियम के जो तार हैं, जो सीट है वो नहीं कर पाते हैं, वो बिजली के कारण। तो यहाँ पे क्या बन गया? अल्मुनिया तक ही बना। तो अल्मुनिया का जो ये बॉक्साइट जो निकलता है हमारे झारखंड में वो प्रथम स्थान है, और उससे उससे जो ये संचय भंडार है वो कहाँ है? वो उसका पोजीशन हम लोग का जो है चौथा पोजीशन है। क्यों? क्योंकि अल्मुनिया तक ही रह गया बन करके। और अब यदि अल्मुनिया अल्मुना से अल्मुनियम तक लाना है तो उसको क्या, अल्मुनिया को दूसरे जगह भेजना होगा। तो किन किन जगह हम लोग भेजते हैं? अलपुर या अलवाय केरल, बेलर बैलूर, बैलूर कलकत्ता, ले मुंबई, ये तीन जगह हम लोग के यहाँ से अल्युमिना जाता है, और अल्युमिना से जाकर के फिर अल्मुनियम बनता है, अल्मुनियम सीट, अल्मुनियम तार। तो इस ढंग से हम लोगों ने जाना अल्मुनियम उद्योग के बारे में। अब जानेंगे सीसा उद्योग। सीसा यानी कांच। कांच के कितने सुंदर सुंदर बोतलें होते हैं, बाउल होते हैं, ग्लास होते हैं, आखिर ये इसका देव कहाँ है? तो देखिए सबसे पहले सीसा का जो ओर है वो है गैलिना यानी पीबीएस। वो ओर हम लोगों को कहाँ मिलेगा? कांड्रा पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। यदि सीसा का ओर पूछता है तो उसका प्रमुख खान हो जाएगा कांड्रा सिंहभूम, और यदि उसका सीसा का उद्योग पूछता है कि सीसा का कहाँ निर्माण होता है तो वो है रामगढ़ धनबाद में। ठीक है, तो सीसा का उद्योग रामगढ़ धनबाद में है, और सबसे बड़ी कंपनी इंडो आसाई ग्लास फैक्ट्री। इंडो आसाई, इंडो यानी भारत, इंडिया, आसाई मतलब जापान होता है, तो इंडियो जापान का जो ये मतलब जापान के सहयोग से हो गया, एसआई का मतलब जापान हो गया। तो ये जो ग्लास फैक्ट्री है हमारे जो झारखंड में वो किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। इंडियो एसआई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? हुरकुंडा रामगढ़ में। ठीक है, और इंडो एसआई इंग्लिश में मैंने लिख दिया, ऐसे होगा एसआई को का मतलब होता है जापान, और जापान के सहयोग से ये कंपनी चलती है। अब रामगढ़ छावनी क्षेत्र में जो रामगढ़ कॉन्टिनेंट है उसमें छह सीसा कारखाना है। उसके अलावा मैंने कहा था कौन कौन सा है? रामगढ़ है, धनबाद है। धनबाद में देखिए कतरासगढ़ और अम्बोना, दो जगह पे सीसा फैक्ट्री है। नेक्स्ट है कोयला धोवन उद्योग। ये कोयला धोवन उद्योग क्या है? कोयला धोवन यानी कोयला को धोना, कोल वासरी, कोल को वास करना, यानी कोयला जब जमीन के अंदर से निकाला जाता है तो वो उसमें काफी मिट्टी उट्टी लगा होता है, जब उसे अच्छी तरह से धोया जाए तो उसके रेट भी बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा तो कोयला है नहीं, बहुत मात्रा में कोयला रहता है,
तो इसको धोने के लिए एक इंडस्ट्री का जरूरत है, तो वही इंडस्ट्री का ला गया कोयला धोवन उद्योग। अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कारगिल बोकारो है। देखिए मैंने कोयला धोवन उद्योग को कोलवासरीज इंडस्ट्री, वास मैंने धोना है तो वासरीज इंडस्ट्री, अब कोलवासरीज इंडस्ट्री को कोलवासरी कहने लगे वहां के लोग, वहां के जो लोग बसिंदा होंगे कोलवासरी में रहता है ये लोग, तो वो जो एशिया का सबसे बड़ा जो कोलवासरी है यानी कोल का जो कोला धोवन का जो जगह है कोलवासरी, वो क्या कहलाता है कारगली बोकारो, ये बहुत ही फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा है। अब देखिए मैंने यहाँ कुछ कम से कम 11 नाम लिखे हैं जहां पे की कोयला निकलता है और लगभग यहीं पे कोयला धोवन का भी उद्योग है। कहाँ कहाँ? दुग्धा, भोजुडी, लोधना, जामाडोवा, मधुबन, मुनिडी, ये सभी लगभग धनबाद में है। फिर उधर है कर्णपुरा, बोकारो वेस्ट, बोकारो, जरागढ़ी, कथारा, मोधा का नहीं पता कहाँ है। तो इस ढंग से इतने जगह के नाम को आपको याद रखना होगा कि इन इन जगहों से कोयला धोवन उद्योग है। ठीक है, चलिए फिर देखिए मैं सोची हूँ कि थोड़ा थोड़ा रिवीजन के मायने से तो 2-3 क्वेश्चन भी ले आऊं ताकि आप लोगों को और अच्छा से पता चले कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। टेल्को का वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जो टेल्को 1948 में स्थापना की गई उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है टाटा मोटर्स। अब देखिए मैंने यहाँ देखा टिस्को, मैंने कल ही बताया था टाटा स्टील का आविष्कार किसने, स्थापना किसने किया था? दोराबजी टाटा ने। तो ये है टिस्को, टिस्को का नाम बदल के हो गया टाटा स्टील, या मुख्य रूप से स्टील चरखा निर्माण होता। टेल्को, टेल्को बदल के नाम क्या हो गया? टाटा मोटर्स, यही टाटा मोटर्स। और इसका यहाँ पे एक्चुअली वाहन यानी कि व्हीकल्स का निर्माण होता है, मोटर यानी व्हीकल्स। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस जिले में एशियन रिफैक्ट्री लिमिटेड अवस्थित है? तो वो है बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील किस संस्थान के अंतर्गत कार्यरत है? जैसे कि टाटा स्टील जो है या टाटा जो भी है, टेल्को या टिस्को जो भी है, या टाटा मोटर्स जो नाम बदल गया और टाटा स्टील नाम बदल गया, ये प्राइवेट कंपनी है, इसके ये प्राइवेट है, लेकिन जो बोकारो स्टील है वो हो गया सरकारी। उसको वो किस संस्थान के अंतर्गत आती है? सेल। सेल का गठन कब हुआ? 1974 में। और ये बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में। अब कंफ्यूजन, अरे ये तो बोकारो स्टील 1964 में हुआ तो ये फिर सरकारी कैसे हो गया? जिस ढंग से सबसे पहली कंपनी टाटा स्टील 1907 में थी, तो वो तो है निजी है, प्राइवेट है, तो ये भी तो प्राइवेट होगा क्योंकि गठन तो सेल का बाद हुआ। लेकिन जब सेल का गठन 1974 में हुआ तब उसने बोकारो स्टील प्लांट के मतलब जो उसके मेन थे, ऑनर थे, उनसे कहा कि आपको जितना लागत लगा है, जितना खर्च लगा है, मैं आपको देता हूं, आप इसे सेल के अंतर्गत कर दीजिए। तब जाकर के बोकारो स्टील प्लांट जो है सेल के संस्था के अंतर्गत कार्यरत हो गई। बहुत सारी ऐसे और भी कारखाने हैं भारत के जो कि सेल के अंतर्गत कार्यरत है, तो यहाँ से याद भी रहेगा 64 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना और 74 में ये सेल का गठन, ये जीके का भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, तो अल्मीनियम उद्योग का भारत में ये दूसरा बड़ा अल्मीनियम उद्योग का कारखाना है। बॉक्साइट के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा खान कहाँ पे है? लोहरदगा प्लामू में। और अब जो इंडियन अल्मीनियम कंपनी है उसका नाम बदल के क्या हो गया? सॉरी, हाँ, हिंडालिको। क्या नाम बदल के हो गया? हिंडालिको। सीसा उद्योग के बारे में, कांड्रा में वहां पे और मिलते हैं, और उसके बाद रामगढ़ और ये धनबाद में जाकर के इसकी फैक्ट्रियां, और रामगढ़ छावनी में 6 सीसा उद्योग है यानी 6 सीसा के कारखाने हैं। कोयला धोवन में सबसे जो कोलवासरी किसे कहा जाता है? कारगली बोकारो, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। ठीक है, बाकी ये सब मैंने तो ये क्वेश्चन करा ही दिए हैं। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है
आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।